एक रियल लाइफ कैरेक्टर को जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं बतौर डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो क्रिएटर बन जाता है उस कैरेक्टर का जिसे बड़े सारे लोग नहीं जानते, लेकिन उसने एक पूरी ज़िंदगी जी है, असली ज़िंदगी जी है। अब आप उसको लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की परसेप्शंस और एक्सपेक्टेशंस, उन दोनों को नए सिरे से एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उस कैरेक्टर को जीने का। तो क्या चैलेंजेस होते हैं व्हेन यू पिक सम रियल लाइफ कैरेक्टर्स एज अ डायरेक्टर? रिसर्च जब तक आप पूरा नहीं करेंगे आप उस स्क्रीन पे लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पूरी कहानी पता ही नहीं है। जब आप पूरी कहानी समझ जाएंगे फिर आपको समझ में आएगा इसमें सबसे अहम जो है वो हिस्से कौन से हैं जो आपको एक सीमलेस तरीके से स्क्रीन प्ले में डालना है। उनकी कहानी जो है मुरलीकांत पेटकर की कहानी ही ऐसी है, जंग से ज़्यादा जंग का असर एक इंसान पे क्या होता है, क्योंकि वो कहानी है। अपने सक्सेस को सीरियसली मत लो, डोंट लेट सक्सेस चेंज यू, और अगर आप सक्सेस को सीरियसली नहीं लोगे तो फेलियर आपको अफेक्ट नहीं करेगा। स्टोरी टेलिंग में बहुत मज़ा आता है मुझे, एक पावर होती है ना कि आप एक दुनिया क्रिएट कर रहे हो, और उस दुनिया में अगर आपने सक्सेसफुली वो क्रिएट कर लिया, आप लाखों करोड़ों लोग को आप उस दुनिया में लाते हो, एंड दे गो विद यू इन दैट वर्ल्ड। नमस्कार, आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ रीमा। आज बात एक ऐसे फिल्म मेकर की और उनकी फिल्मों की जिन्होंने हर फिल्म के साथ चीज़ों को, स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग को या फिर कैरेक्टर डिफाइनिंग को रीडिफाइन किया है। बात कबीर खान से, उनकी फिल्म चंदू चैंपियन, जिसका ट्रेलर अगर आपने देखा है, आई होप आपने देखा ही होगा क्योंकि शानदार व्यूज उसे मिल चुके हैं सोशल मीडिया पर। अगर नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि जिस सेकंड वो ट्रेलर खत्म होता है उस सेकंड आप ठान लेते हैं मुझे ये फिल्म थिएटर में जाकर के देखनी है। क्यों देखनी है, उसकी एक नहीं कई वजह है, और कुछ आप खुद जानेंगे जब आप ट्रेलर देखेंगे। तो पहले तो हमारा इंटरव्यू देखिए, फिर ट्रेलर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों आपको कैसे लगे, और फिर बातचीत जो आप शुरू करने जा रहे हैं द ग्रेट कबीर खान से। कबीर जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक। तो कबीर जी, सबसे पहले तो बधाई आपको चंदू चैंपियन जैसी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अ फिल्म, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ कैरेक्टर, जीवन जीने का एक तरीका पूरी तरीके से रीडिफाइन किया जा रहा है, उसकी पूरी आप परिभाषा बदल रहे हैं इस फिल्म के साथ। कमाल की फिल्म है, कार्तिक भी कमाल के लग रहे हैं, और आपकी डायरेक्शन तो हर फिल्म में ही हमें गजब की होती है। तो सबसे पहले हम इस आइडिया की बात करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरीज, बायोपिक्स हम बहुत देखते हैं, उस भीड़ में स्टैंड आउट करना एक कहानी को और कैरेक्टर को कैसे शुरू हुआ? आई थिंक उनकी कहानी जो है मुरलीकांत पेटकर की कहानी ही ऐसी है कि जब मैंने पढ़ी, एक तो ये है कि बिल्कुल ही अनटोल्ड स्टोरी है मेरी, जो इससे पहली एक फिल्म थी उसमें मैं एक ट्रू स्टोरी बता रहा था, लेकिन ऐसी स्टोरी बता रहा था जिनके बारे सब जानते हैं, सब लिविंग लेजेंड्स हैं। 83 जिसमें कपिल देव और उनकी टीम के बारे, यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा था। यहाँ पे एक ऐसे शख्स थे जिनका जब मैंने पढ़ा कि इन्होंने क्या क्या अचीव करा, सबसे पहले तो मुझे झटका पड़ा कि अगर इन्होंने ये सब किया मैं इनके बारे क्यों नहीं जानता। मतलब मुझे थोड़ी सी शर्म आने लगी कि मैं अपने आप को एक पढ़ा लिखा, वेल रेड, वेल इन्फॉर्म्ड इंसान समझता हूँ, लेकिन मैंने कहा मैंने मुरलीकांत पेटकर का नाम भी नहीं सुना है। तो वो एक मोटिवेशन हुआ कि यार ये कहानी बतानी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डिटेल्स में जब आप फिल्म देखेंगे और जब आपको आप देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया, और अचीव करने से ज़्यादा किस तरीके से उनकी जर्नी गई, मतलब क्या क्या उनको गुजरना पड़ा, किस किस चीज़ों से वो अचीव करने के लिए, वो देख के मैंने कहा कि ये फिल्म तो ज़रूर मुझे बनानी है। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, ह्यूमन स्टोरी है, अंडरडॉग स्टोरी है, और जैसे आपने कहा वो एक जीने का तरीका सिखाती है, वो नेवर से डाई एटीट्यूड, एग्जैक्टली वो कमाल का एक मोटिवेशनल स्टोरी है। और कार्तिक आर्यन ही क्यों, मेरे एक कैरेक्टर में जब आप फिल्म देखेंगे एक बहुत बॉयश एंथुजियाज्म है, इतना है कि एक पॉइंट पे फिल्म में उसे लोग कहते हैं यार ये पागल है, क्यों ऐसे क्या बोल रहा है ये, कि ऐसे कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, ऐसे कौन कर ही नहीं पाता है। तो वो एक बॉयश एंथुजियाज्म जो था ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम स्टार्स में अभी है। That you can convert later on into a sense of sincerity also. Absolutely, absolutely. तो वो मुझे लगा कि यार ये जो जिस जो जो एज स्पैन मैं दिखा रहा हूँ मुरलीकांत पेटकर का, जो मेन हिस्सा जो उनकी जिंदगी का है, उसके लिए कार्तिक सही रहेगा,
फिजिकैलिटी भी सही है, और उससे ज़्यादा जो एंथुजियाज्म कार्तिक की स्टोरी के लिए थी, क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला देखो कार्तिक यू आर फेमस फॉर योर हेयर, वो मैं काट दूंगा, यू आर फेमस फॉर योर मोनोलॉग्स, योर साइलेंसेस विल स्पीक लाउडर देन योर मोनोलॉग्स इन दिस फिल्म, एंड थर्डली आई सेड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऐसी होनी पड़ेगी कि जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वाकई में उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। मतलब उसका जब हमने फर्स्ट ग्लिम्स देखा, वी वर लाइक ये कि क्या है, ये क्या एआई जनरेटेड है जैसे आजकल तो सभी डाल रहे हैं, मतलब ये कमाल है। और उनको मैंने ये बताया कि इसको इस जर्नी को 1.5 साल लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने बिना स्टेरॉइड्स के किया है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 1.5 साल डेडिकेटेड काम की वजह से वो। और इम्पोर्टेंट क्या है कि फिल्म में हमें हर स्टेज दिखाना है, हमें मोटा स्टेज भी दिखाना है, बीच का स्टेज भी दिखाना है, पतला स्टेज भी दिखाना है, फिट स्टेज भी दिखाना है, सारे स्टेजेस दिखाने, तो आसान नहीं था। वो ट्रांसफॉर्मेशन वो करते रहे लगातार, ओह माय गॉड वेरी डिफिकल्ट। बाल गए थे, मतलब बाल काटने वाला है तो बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं थी तो दिमाग में, जैसे व्हाटएवर द कैरेक्टर, हां वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। इसकी इसका जो फिल्मिंग थी वो भी आसान नहीं थी, जिस टेरेन पे आपने शूट किया वो जो चैलेंजेस आए, व्हाट वर दे? क्योंकि देखिए कहानी ऐसी है, एक तो ये इंडियन आर्मी में थे, 65 वॉर में थे जहाँ उनको गोलियाँ लगी थी, फिर बॉक्सिंग सीखा है गांव में, उन्होंने कुश्ती सीखी है, फिर बाद में वो ओलंपिक लेवल पे स्विमर थे, तो अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग स्किल्स उनको सीखना था, तो ये आसान नहीं था। कश्मीर में हमने शूट किया, इनफैक्ट जो हमारा द वॉर सीक्वेंस है वो भी मैं चाहता था कि एक अलग किस्म से शूट करें, क्योंकि मैं भी एक्शन बहुत कर चुका हूँ, बहुत लोग फिल्मों में आपने देखा है वॉर एक्शन, मुझे था कि जंग से ज़्यादा जंग का असर एक इंसान पे क्या होता है, क्योंकि वो कहानी है मेरी, तो मैंने डिसाइड किया मेरा कैमरा कभी भी मुरलीकांत पेटकर को छोड़ेगा नहीं, सो पूरा 8 मिनट का अनकट सिंगल शॉट वॉर सीक्वेंस है, जो पूरा उनका जो वॉर का असर उन पे होता है उसका सिर्फ कैमरा उन पे ही रहता है। तो लेकिन वो लाइव लोकेशन पे शूट किया ना, 10,000-11,000 फीट की ऊंचाई पे कश्मीर में, ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ी उसके लिए, क्योंकि सिंगल शॉट में आप रीटेक तो ले नहीं सकते हैं, कुछ बड़े बड़े ऐसे ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो गिरने थे, वो एक बार ही गिर गए तो आप उसको वापस नहीं खड़ा कर सकते, तो बहुत ट्रेनिंग करी, बहुत रिहर्सल्स किए, फिर बॉक्सिंग उनकी जो है वो 14 महीने की ट्रेनिंग है, लंदन में शूट किया हमने, स्विमिंग हमने लंदन में शूट किया, फिर एक काफ़ी बड़ा हिस्सा वाई में रिक्रिएट करा हमें, क्योंकि उनका गांव जो है, असल गांव एक्चुअली वाई से कुछ आगे है सांगली में, लेकिन वाई में हमने पूरा सेटअप किया, पुणे में शूट किया पूरा, तो बहुत मल्टीपल लोकेशंस हैं, बॉम्बे में तो ऑफकोर्स सेट्स पे किया है काम, और बहुत बड़ी जर्नी थी। एक रियल लाइफ कैरेक्टर को जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं बतौर डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो क्रिएटर बन जाता है उस कैरेक्टर का, जिसे बड़े सारे लोग नहीं जानते लेकिन उसने एक पूरी ज़िंदगी जी है, असली ज़िंदगी जी है, अब आप उसको लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की परसेप्शंस और एक्सपेक्टेशंस उन दोनों को नए सिरे से एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उस कैरेक्टर को जीने का, तो क्या चैलेंजेस होते हैं व्हेन यू पिक सम रियल लाइफ कैरेक्टर्स एज अ डायरेक्टर? चैलेंज ये होता है कि देखिए किसी भी किसी की जिंदगी की कहानी आप सुनाना चाहते हैं तो जिंदगी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप कैसे एक, अगर आप एक स्क्रीन प्ले को पढ़ें तो स्क्रीन प्ले 100 पेज का होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो 100 पेज में आपको एक पूरी जिंदगी का सार जो है वो डालना पड़ता है, और उसके क्या सबसे ज़्यादा एक जो इन्फ्लुएंशियल या जो मोटिवेशनल या जो सबसे ज़्यादा असर ऑडियंस पे आएगा वो कौन से मोमेंट्स हैं, उन सबको कैसे आप स्क्रीन प्ले में डालेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च जब तक आप पूरा नहीं करेंगे आप वो स्क्रीन प्ले लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पूरी कहानी पता ही नहीं है, जब आप पूरी कहानी समझ जाएंगे फिर आपको समझ में आएगा इसमें सबसे अहम जो हैं वो हिस्से कौन से हैं जो आपको एक सीमलेस तरीके से स्क्रीन प्ले में डालना है। और जो कहते हैं ना कि मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट अ लुक लाइक कॉन्टेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कैन यू कैप्चर द सोल ऑफ द पर्सन, वॉट दैट पर्सन स्टूड फॉर, वॉट दैट पर्सन आइडियोलॉजी वॉज, क्या एक जो जीने का तरीका था वो क्या था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज़ यू नो द थिंग यू मेंशन दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट लुक लाइक, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जब बायोपिक्स की बात आती है तो ये आता है कि हाउ क्लोज यू कैन टेक दैट कैरेक्टर, यू नो एज फार
द लुक सर, प्रोस्थेटिक्स की आप बात करते हैं, बहुत मेकअप इतने घंटे हुआ ऐसा दिखाने के लिए, लेकिन ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि नहीं, आप सोल है पर्सोना, देखिए जैसे आप जैसे मुरलीकांत पेटकर में तो ऑब्वियसली एक चीज तो ये है कि कोई जानता ही नहीं वो कैसे देखते हैं, क्योंकि उस जमाने की फोटोज ही नहीं उनकी, तो इसमें तो मैंने कार्तिक बोला उस गली में तो हम घुसेंगे नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे देखना, वो लिबर्टी थी कहीं ऐसे, हाँ वो ऐसे मेरे जहन में जो एक पिक्चर फॉर्म हुई है मैं उस तरीके से जाऊंगा, मुझे लगता है ये लुक उनके पर्सनैलिटी को ट्रांसलेट करेगा, हम उस लुक से जाएंगे। 83 में ऑफकोर्स आप कपिल देव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कपिल देव को कौन नहीं जानता, तो उसमें ऑफकोर्स एक चैलेंज था, लेकिन उसमें भी अगर आप ब्रेक डाउन करें ना, अभी तो सब बोलते हैं कि अरे रणवीर सिंह बिल्कुल कपिल देव लग रहा था, लेकिन एक्चुअली आप ब्रेक डाउन करें फीचर बाय फीचर, वो कपिल देव अपने फीचर्स की वजह से नहीं लग रहे हैं, उन्होंने कपिल देव जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह का उनका एक्सप्रेशन है वो पकड़ा, अल्टीमेटली यू हैव टू कैच द एक्सप्रेशन नॉट द फीचर्स, एस्थेटिक्स ऑफ पर्सोना एक्चुअली, एब्सोल्युटली वो फिर निकल के आता है। कबीर खान की हर फिल्म के साथ एक अलग सेंसिटिविटी होती है, हम तो खैर ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिहाज से फिल्म देखना पसंद करते हैं, फिर भी हमने देखा बीते दिनों में कुछ अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज थी जो आपके आसपास जब आती हैं, हाउ डू यू रिएक्ट टू इट यार, उस वक्त आपको एज अ फिल्म मेकर, एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और एक ह्यूमन बींग, आम आदमी जो अपने घर परिवार में बैठा हुआ है, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, डील कैसे करते हैं आप? देखिए अब जब ऑब्वियसली कुछ अनप्लेजेंट सी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा लगता है यार ये क्यों, मतलब फालतू में ये चीज़ों पे अटेंशन जा रहा है, और ये अनफाउंडेड होती हैं तो बिल्कुल एक थोड़ी सी इरिटेंट तो हो जाती हैं, लेकिन फिर उसके साथ आपको ये भी सोचना पड़ता है कि देखिए आप पब्लिक फिगर हो, आपने डिसाइड किया कि आप फिल्म बनाना चाहते हो, फिल्म में ऑब्वियसली आप कुछ बोलोगे तो आपकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करेगी, अगर आपकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी आप क्यों फिल्म बना रहे हो, तो वो ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट हो, और फिल्म से ज़्यादा ऐसा मुझे लगता है कि कोई मे बी फिल्म एंड क्रिकेटर्स ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे आपका प्रोफेशन पब्लिकली डिस्कस होता है। yes. अगर एक लॉयर एक केस हार जाता है तो लोग ये बोलते हैं इसको जेल में डाल दो, लेकिन पिक्चर अगर आपकी फ्लॉप हो जाती है बोलते हैं इस आदमी को जेल में डाल दो, तो आपको पता है कि आप ऐसे प्रोफेशन में आए हो कि जहाँ आपका काम बहुत पब्लिकली डिस्कस होने वाला है, आप जो कहोगे वो लोग डिस्कस करेंगे, एंड जाहिर सी बात है और स्पेशली आजकल जब हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज हो गई है, सब आपके नज़रिए से मतलब आपके आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करेंगे, आप जो कहना चाहते हो चाहे वो आप फिल्म में कह रहे हो या ऑफ कैमरा कह रहे हो, कोई ना कोई तो उठ के कुछ उसका तोड़ मरोड़ के कंट्रोवर्सी बनाएगा। आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ नाउ, और एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू नेविगेट इट, एंड रिमेंबर कि उसको इतना असर मत करने दें हम पे कि हम चेंज हो जाएं या हम कुछ बोलने से डर जाएं, क्योंकि वो अगर शुरू हो गया तो आप हार गए। Exactly. आपको नेविगेट करना पड़ेगा, ये लैंडमाइंस आएंगे आपके करियर में आपकी लाइफ में, लेकिन आपको इन सबको नेविगेट करके अपनी बात एक तरीके से आगे डालनी पड़ेगी। So are you affected by or influenced by social media? I'm not influenced at all. Affected sometimes, but for a short period. And I'm very fortunate कि एक टाइम के बाद मैं अपना बैलेंस फॉर्म कर लेता हूँ। I don't know what it is, whether it's just my upbringing or my early days in Yashraj. I've realized don't take yourself too seriously and don't take what others are saying too seriously. आप अपना काम करिए, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए, stick to it with conviction. Ultimately it all evens out. But इतना सब कुछ vulnerable है film industry में, हम देखते हैं बहुत सारी चीजें volatile होती हैं. How easy it is to maintain that calm which Kabir Khan is talking about? It's not easy, but I think एक अगर आप एक path चुन ले, जैसे कि I realized very early in my career and I must give a lot of credit to that to my years in Yashraj. अपने success को seriously मत लो, don't let success change you. और अगर आप success को seriously नहीं लोगे तो failure आपको affect नहीं करेगा. मैंने इस industry में actually honestly बताऊँ, and it's not a ऐसी मतलब you know something that people often say, but honestly I have seen more people destroyed by success in my industry than failure. एक फिल्म हिट हो जाती है, अच्छा ये इंडस्ट्री भी ऐसी है, हमारे ऑडियंस भी ऐसी है कि आप एक हिट फिल्म दे दो तो आपको खुदा बना देते हैं कि अरे आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आपसे बेटर कोई है ही नहीं, आप तो ये हो, पूरी इंडस्ट्री आप पे डिपेंडेंट है, और वही जो फ्लॉप होती है आप इतनी बुरी तरह लोग आपको गिराते हैं और इतनी बुरी तरह, तो अगर आपने वो सीरियसली लिया तो इसमें आप मारे जाओगे।
As a director, you must have seen that phases. I have had films that have not worked. I have films that are some of the biggest grosses of this industry. I've seen all extremes. Mm-hmm. The reason why I'm able to carry on with a level head is because I've never taken that seriously. I've never taken this seriously. मैंने कहा यार मेरे को यही काम आता है और ये काम करने में मुझे बहुत मजा आता है और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इस इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं चाहे वो एक्टर्स हों या डायरेक्टर्स हों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू कमिंग फ्रॉम जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मैं दिल्ली से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था मेरा सपना था यार बॉम्बे जाऊँगा एक फिल्म बनाऊँगा उस टाइम क्या सपना था एक बारी जिंदगी में मेरा नाम बड़े पर्दे पर आ जाए मैं खुश हो जाऊँगा ठीक है वो आ गया उसके बाद 9 बारी और आ चुका है तो ये सब बोनस ही चल रहा है तो आप यू कैन नॉट फॉरगेट कि उस टाइम तो आपका सपना था यू नो दैट्स व्हाई ऑलवेज से रिमेंबर व्हाट द 20 ईयर ओल्ड यू वांटेड एंड इफ यू अचीव्ड इट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ वेरी लकी पर्सन एंड मूव ऑन डोंट थिंक कि अरे यार अब आगे इसके आगे इसलिए इसके आगे तो वो तो फिर मतलब देयर इज नो एंड टू इट लाइक नाउ कबीर खान इज वन ऑफ द सेलिब्रिटी डायरेक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग ऑल्सो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कॉमेंट बता रहे हैं लोगों ने कहा ये कभी अपनी फिल्म में भी क्यों नहीं काम करते तो बोला होगा लेकिन ऐसा मतलब जी बोला जब मैं फिल्म स्कूल में था तो काफी लोग बोलते थे कि तुम डायरेक्शन क्यों कर रहे हो एक्टिंग कर लो लेकिन आई थिंक गलती हो गई कर लेनी चाहिए थी ये थोड़ी सी टफ जिंदगी है डायरेक्टर की नहीं लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मेरा शौक हमेशा स्टोरी टेलिंग में रहा है स्टोरी टेलिंग में बहुत मजा आता है मुझे आप एक वो जो एक पावर होती है ना कि आप एक दुनिया क्रिएट कर रहे हो और उस दुनिया में अगर आपने सक्सेसफुली वो क्रिएट कर लिया आप लाखों करोड़ों लोग को आप उस दुनिया में लाते हो एंड दे गो विद यू इन दैट वर्ल्ड मतलब दिस इज यू फील लाइक गॉड तो कभी डायरेक्टर्स पे भी हमने देखा है फिल्म मेकर्स पे भी फेवरेटिज्म का आई वोंट से एलिगेशन लेकिन एक ऐसा एक प्रीसेट नोशन उनको लेकर के लोग क्रिएट करते हैं कि भाई ये तो इस लीग के साथ फिल्म बनाएंगे या फिर इस तरह के एक्टर्स उनको चाहिए क्या कभी आपको भी उस परसेप्शन में लोगों ने तोलने की कोशिश की करा है बहुत क्योंकि मैंने सलमान खान के साथ 3 फिल्में करी हैं जॉन के साथ 2 फिल्में करी हैं रणवीर सैफ यू नो कार्तिक तो लोग मुझे ये हुआ है कि यार तुम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हो तो उसका सिर्फ मेरा ये कहना है कि देखिए जो मैं फिल्म बनाता हूँ जिस किस्म की फिल्में मैं बनाना चाह रहा हूँ मेन स्ट्रीम सिनेमा है क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री से आया तो मैं बहुत क्लियर था जब मैंने ट्रांजिशन किया कि मैं मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा बनाऊंगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज से इंडिपेंडेंट सिनेमा में मुझे लगा कि आई स्टिल बी इन दैट सेम सर्किट तो उसके लिए एक बजट चाहिए होता है और हमारी इंडस्ट्री जिस तरीके से है अनफॉर्चुनेटली आपकी बजट ज़्यादातर आपके स्टार पे पैक्ड होती है कि अच्छा ये है तो इतना बजट हम दे सकते ये स्टूडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ अभी हमारी इंडस्ट्री वहाँ तक नहीं पहुँची कि सिर्फ डायरेक्टर के नाम पे एक आपको बहुत बड़ा बजट मिल जाता है ऑफकोर्स एक डायरेक्टर एक एक्टर के साथ कॉम्बिनेशन के साथ जब आता है तो बजट आपको मिलता है तो इसलिए क्योंकि मेरी कहानी का स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा रहता है थोड़ा कैनवस बड़ा रहता है मुझे स्टार्स की ज़रूरत है मेरी फिल्मों में मैं नए एक्टर के साथ 83 नहीं बना सकता क्योंकि 83 एक महंगी फिल्म है उसको 1983 वर्ल्ड कप को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं चंदू चैंपियन एक न्यू कमर के साथ नहीं बना सकता मैं उस दिन बना पाऊंगा जिस दिन स्टूडियो मुझे कहेगी हाँ तुम्हें चंदू चैंपियन के लिए जो बजट चाहिए हम उस एक्टर के साथ भी उस लिहाज से साउथ में अभी हमने थोड़ा चेंजेस देखे थोड़ा बहुत लेकिन वहाँ भी एक्चुअली इंडियन इंडस्ट्री पूरी जो है थोड़ी सी स्टार ड्रिवन है अनफॉर्चुनेटली वो हम उससे हम मना नहीं कर सकते कि स्टार की वजह से एज अ डायरेक्टर बिकॉज आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी रहे उस लिहाज से जहाँ कंटेंट की बात आती है जहाँ पर यू नो रियलिटी ड्रिवन स्टोरीज की बात आती है तो मुझे लगता है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है यू नो आपकी जो सिंसियरिटी है एज अ फिल्म मेकर वो एक लकीर आप थोड़ा लंबा कर देते हैं वहाँ पर तब कभी आपको ये लगता है कि यार ये जो स्टार स्ट्रक सोच है प्रोडक्शन हाउसेस की उसकी वजह से आर्टिस्ट वाला मटेरियल कहीं पे मुझे उसको आगे पीछे करना तो मेरे को फॉर्चुनेटली ये कभी महसूस नहीं हुआ क्योंकि अगर आप देखें तो मेरा करियर इसी पे बिल्ट है कि मैंने जॉन को न्यूयॉर्क में लिया जब जॉन उस किस्म की फिल्में नहीं करता था कैटरीना को मैंने जब वो बहुत ही स्टार बन गई थी और
बहुत फेमस थी अपने नाचने गाने ग्लैमरस रोल के लिए, मैंने न्यूयॉर्क में डाला, वो बहुत सक्सेसफुल रही। सलमान जब मैंने खुद टाइगर सीरीज बनाई जो बहुत बड़ी एक्शन सीरीज थी, और उस टाइम पे जब सब कह रहे थे कि यार सलमान के साथ तो एक्शन ही करना चाहिए, मैंने बजरंगी भाईजान बनाई जिसमें कोई एक्शन नहीं है, वो किसी को मार नहीं रहे, वो सिर्फ पिट रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी सक्सेस हुई। तो आई थिंक हम मेरे करियर में हमेशा ऐसे टर्न्स आए कि मैंने ऑफ चांस लेके एक रिस्क लिया है, एंड इट्स वर्क्ड, द ऑडियंस हैज एक्सेप्टेड दैट एंड अलाउड मी टू मेक दोस काइंड ऑफ फिल्म्स। सो इसलिए स्टार्स को बेटर रियल आर्टिस्ट के तौर पे पोर्ट्रे करने में नहीं, जैसे आप चंदू चैंपियन, आप चंदू चैंपियन देखें तो चंदू चैंपियन जैसा कैरेक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया, अपने करियर में नहीं किया। लोग तो कह रहे हैं मतलब जो ओवरऑल एक परसेप्शन है कि उनके करियर की ये बिगेस्ट फिल्म है जो कबीर खान उनको दे रहे हैं, ये जो कैरेक्टर उनको दिया। द फैक्ट इज कि लेकिन the stars also want to do that. Salman wanted to do Bajrangi Bhaijaan, John wanted to do New York, Katrina wanted to do New York, but somebody needs to pull them out actually, give them that material. Yes. aur mera kya hai ki I think mera jo shuru mein क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री से आया था, जब मुझे याद है जब मैं पहले इंडस्ट्री में आया तो लोग बोलते थे यार बताना नहीं किसी को तुम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो, उनको लगेगा ये आदमी बोर करेगा। आज मेरा यूएसपी यही है कि मेरा बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्रीज से है, तो मैं जो एक रियल वर्ल्ड exactly. और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग को ब्लेंड कर पा रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। अब चंदू चैंपियन भी जो है इतनी लार्जर देन लाइफ स्टोरी है, लेकिन दुनिया बहुत क्रेडिबल है, वर्ल्ड बहुत क्रेडिबल है, रियल है, लॉजिकल है, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कहानी जो है वो बहुत मेन स्ट्रीम है, बहुत कमर्शियल है, क्योंकि बहुत इनहेरेंटली लार्जर देन लाइफ है। yes. तो उसमें आई थिंक मज़ा आ रहा है। एंड जैसे मैंने एक बार पहले भी कह चुका हूँ मैं कि मेरे लिए ट्रू सक्सेस ये है कि मैं अपने टर्म्स पे अपनी जो कहानियाँ मुझे एक्साइट करती हैं वो जब तक मैं बना सकता हूँ और लोग मुझे उसके लिए पैसे दे रहे हैं बनाने के लिए, तब तक मैं सक्सेसफुल हूँ। जिस दिन लोग मुझे बोलेंगे नहीं नहीं ये मत बनाओ, एक काम करो तुम अपनी किसी फिल्म का सीक्वल बना लो, न्यूयॉर्क का बना लो, टाइगर का बना लो, बजरंगी का बना लो, उस दिन मुझे लगेगा मेरा सक्सेस खत्म हो गया, कि तब मैं फिर अब आई एम मेकिंग इट फॉर रॉन्ग रीजंस। एक सवाल आपके लिए और है, बहुत जगह है सोशल मीडिया पर कि अपनी फिल्म के ज्यादातर फिल्मों के एंड में पाकिस्तान को गुड लाइट में क्यों दिखाते हैं कबीर खान। तो देखिए, मैं मेरा एक बहुत क्लियर इसमें जवाब हमेशा रहा है, मैं मुल्क के लोग जो होते हैं और मुल्क की हुकूमत जो होती है, जो गवर्नमेंट जो होती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस मानता हूं मैं। पॉलिटिक्स जो होती है वो गवर्नमेंट प्ले करती है, लोग नहीं प्ले करते। तो जब आप बोलते हैं कि आप पाकिस्तान को अच्छा क्यों दिखा रहे हो, तो आप अगर उस फिल्म को प्रॉपरली एक्सप्लोर करोगे तो उसमें मैंने लोगों को अच्छा दिखाया है, और लोग इनहेरेंटली अच्छे ही होते हैं। yes. बजरंगी भाईजान में जो लोग हैं, चाहे वो इस पार हैं या उस पार हैं, वो लोगों को मैंने अच्छा दिखाया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग अच्छे होते हैं। पॉलिटिक्स चलती रहेंगी, कभी नहीं ख़त्म होगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती ही रहेंगी, लेकिन वो गवर्नमेंट्स यूज़ करेंगी। इसलिए मेरा कहना है कि जितना हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे उतनी प्रॉब्लम्स हमारी कम हो जाएंगी। तो वो मेरा हमेशा नजरिया रहा है, तो क्योंकि मैं हमेशा डिस्टिंक्शन क्रिएट करता हूँ गवर्नमेंट वर्सेस पीपल। मतलब लोग आपकी फिल्मों में ये सुनना चाहते हैं ज्यादा लाउड होकर के कि आई लव इंडिया मोर देन पाकिस्तान। बट कौन सी मेरी फिल्म में नहीं होता, कौन सी मेरी फिल्म में पेट्रियोटिज्म नहीं आती है, लेकिन मेरी पेट्रियोटिज्म जो है वो अलग है। नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में यही फर्क है, आप जिंगोइस्टिक जब होते हो तो आप अपने मुल्क के लिए मोहब्बत प्रूफ करने के लिए दूसरे को गाली देते हो। मेरी फिल्मों में दूसरों को गाली देने की जरूरत नहीं है, अपने मुल्क से आप अगर मोहब्बत करते हो तो वो आपके कामों में दिखाई देगा। Absolutely. जब कपिल देव जाके 83 जीतता है, जब पूरी दुनिया हंसती थी हिंदुस्तान पे, जब वो जाके जीतता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उसे कहते हैं ट्रू पेट्रियोटिज्म। उसने कोई नारे नहीं लगाए थे पिक्चर में, उसने कोई छाती नहीं। जब चंदू चैंपियन, जिसको सबने बोला था ये तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, जाता है और हिंदुस्तान का झंडा ऊपर करता है पहली बार किसी भी ओलंपिक के फॉर्म में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब मैं ओलंपिक आर्काइव्स में रिसर्च कर रहा था तो उन्होंने मुझे भेजा था, उसमें सारे इवेंट्स ईयर और नाम थे और एथलीट्स के, इवेंट था, टाइमिंग, और जिस कंट्री से वो बिलोंग करते थे उस झंडे का एक छोटा सा एम्ब्लम आता था। और मैं रिसर्च कर रहा था और ऐसे मतलब स्क्रोल कर रहा था, तो यहाँ साइड से जो सारे झंडे जा रहे थे ना, वो नॉर्मल जो ओलंपिक्स में जीतते हैं, अमेरिका, सोवियत यूनियन, रशिया, चाइना, जापान, चले जाते, और अचानक बीच में एक ऐसा तिरंगा उठ के आगे जब आया ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे कहते हैं पेट्रियोटिज्म। उस पेट्रियोटिज्म में आपको किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको अपनी मुल्क से मोहब्बत करने की जरूरत है।
ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी आप बस लोगों को ये बता दीजिए चंदू चैंपियन क्यों देखने के लिए जाए। चंदू चैंपियन इसलिए देखने के चाहिए, नहीं इसलिए नहीं क्योंकि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसलिए नहीं कि ये क्योंकि ये कार्तिक आर्यन का बेस्ट परफॉर्मेंस है, इसलिए नहीं क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म्स, इसलिए भी नहीं क्योंकि हमने बहुत बड़े स्केल पे शूट करी है बहुत सिनेमा, इसलिए क्योंकि इस किस्म की कहानी आपको ऐसी मोटिवेट करेगी, आपको इस किस्म का जो ह्यूमन स्टोरी अंडरडॉग का है आपने कभी सुना नहीं होगा कि एक इंसान जिसका एक सपना होता है बचपन से और जिंदगी हर मोड़ पे उसको मार के गिरा देती है, लेकिन वो आदमी फिर खड़ा होता है कि नहीं मेरा ये सपना था, जिंदगी फिर उसे मारती है, फिर वो खड़ा होता है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे जब आप फिल्म देखोगे कि ये ट्रू स्टोरी है, जब एंड में फोटोग्राफ्स आएंगे तब आपको लगेगा यार ये सही में ट्रू स्टोरी है, हुआ ऐसा किसी के साथ में। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और एंटरटेनमेंट सेंसिटिविटी, और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत कहानियों को पिरोना कभी हमने आपकी फिल्मों में देखा है और हमेशा देखते रहेंगे। और चंदू चैंपियन के साथ भी यही एक खूबसूरत चीज़ जो हम देखने के लिए जा रहे हैं, लोग ज़रूर देखें ये फिल्म। हम चाहेंगे कबीर खान की फिल्म कार्तिक आर्यन स्टारर चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में, और ये फिल्म हर लिहाज से देखनी चाहिए अगर आप ज़िंदगी जीने के एक नए तरीके को देखना चाहते हैं। कबीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।